अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कल यानी 5 अगस्त को भूमि पूजा होनी है और कोरोना वायरस महामारी के कारण राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में सिर्फ 175 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित किए गए लोगों में पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद शरीफ भी शामिल होंगे। 25,000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं मोहम्मद शरीफ का कहना है कि अगर उनकी तबीयत साथ देती है तो वो भूमि पूजन समारोह में अवश्य शामिल होंगे। मोहम्मद शरीफ पेशे से साइकिल मिस्त्री। 80 साल के मोहम्मद शरीफ अयोध्या में खिड़की अली बेग मोहल्ले के रहने वाले हैं। लोग उन्हें चाचा शरीफ कहते हैं। उन्हें पिछले साल पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। शरीफ अब तक 25,000 से ज्यादा लावारिस शवों को बाकायदा रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वे रोज लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कब्रिस्तान और शमशान के चक्कर लगाते हैं। अगर वे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो पुलिस शमशान स्थल या कब्रिस्तान के निगरानी करता उन्हें सूचित कर देते हैं और इस काम का वो खर्चा खुद वहन करते हैं। साहब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं बिल्कुल जाने को तैयार। हालत हमारी देख लीजिए, हम इस काबिल हैं, हम जाने को तैयार नहीं ना, क्योंकि मैंने 3,000 हिंदुओं कंधे पर सड़ी हुई लाशों का दफा किया। कोई हमें उम्मीद थोड़ी कि वहाँ से हम लोग और हमें जाने से कोई इतराज नहीं ना, पर तबीयत हमारी ठीक है, हम चलने तैयार और इसका हिसाब रहा। अब यहाँ उठ के आए कितनी मुश्किल से डंडा टेक के यहाँ तक आए, वहाँ इतने बड़े भंजने में जाना हमारे लिए, देखिए देखते जाएगा शाम तक क्या है क्या।